और अब हम आपको अपने देश में लौटकर लाते हैं पाकिस्तान से। और आज जो बड़ी बात है, बड़ी खबर है, वो ये कि आज हम आपको दो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को मिलने वाले भारत रत्न सम्मान का विशेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि गैर बीजेपी दलों के नेताओं को देश का सर्वोच्च सम्मान देने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की क्या सोच है। चौधरी चरण सिंह भारत के पांचवें और पीवी नरसिम्हा राव भारत के नौवें प्रधानमंत्री थे। इन दोनों ही नेताओं के लिए कहा जाता है कि इन्हें कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके ये दोनों हकदार थे। इसलिए आज ये खबर कांग्रेस पार्टी को बहुत चुभ रही होगी। 28 जुलाई 1979 को जब चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तब इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आई ने उनकी सरकार का बाहर से समर्थन किया था और इस समर्थन के बदले में इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी ने चौधरी चरण सिंह पर उनकी कई मांगों को मानने के लिए दबाव बनाया कि हमारी ये मांगे हैं, आप मान लीजिए तो हम आपकी सरकार को चलने देंगे। और इनमें दो मांगे प्रमुख थी। देखिए क्या मांगा इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने। पहली मांग थी संजय गांधी के खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों को रद्द किया जाए। दूसरी मांग थी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मुकदमे में फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हंसराज खन्ना को उनकी सरकार में कानून मंत्री के पद से हटाया जाए। यानी इंदिरा गांधी ने कहा कि ये कानून मंत्री मुझे नहीं चाहिए, इसे हटाइए। और दूसरा, संजय गांधी के खिलाफ जो केस चल रहे हैं इन्हें बंद कीजिए। चौधरी चरण सिंह अपने उसूलों के पक्के थे, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने झुकने की बजाय प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना यानी प्रधानमंत्री पद को छोड़ना ज्यादा उचित समझा और कहा कि सत्ता तो फिर से मिल जाएगी लेकिन उसूल अगर एक बार मर गए तो वो फिर से कभी जीवित नहीं होंगे। ऐसे होते थे पुराने नेता। चौधरी चरण सिंह के लिए गांधी परिवार में इतनी कड़वाहट इसलिए भी रही क्योंकि वर्ष 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया तब उस सरकार में गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ही थे और इसीलिए गांधी परिवार ने 40 वर्षों तक कांग्रेस में रहे चौधरी चरण सिंह को कभी भी याद करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की तो चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि इस घोषणा ने उनका दिल जीत लिया। वैसे आज हमने 27 दिसंबर 1978 की कुछ तस्वीरें निकाली हैं जो शायद जयंत चौधरी को भी याद नहीं होंगी, जब जयंत चौधरी का जन्म हुआ था और इस मौके पर इंदिरा गांधी उस समय के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के घर पर आई थी और उन्हें और उनके पुत्र अजीत सिंह को जयंत चौधरी के जन्म पर उन्होंने बधाई दी थी। आज कुछ खास तस्वीरें हम निकाल कर लाए हैं। जयंत चौधरी को भी शायद याद नहीं होगी कि जब वो पैदा हुए थे तब चौधरी चरण सिंह के घर पर इंदिरा गांधी आई थी चौधरी साहब को पोता होने की बधाई देने के लिए और ये उसी समय की तस्वीरें हैं। चौधरी चरण सिंह की तरह पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी गांधी परिवार पसंद नहीं करता था। वर्ष 2004 में जब पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई तब उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर तक में लाने नहीं दिया गया था। जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है वो दिल्ली में है और पीवी नरसिम्हा राव का परिवार चाहता था कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में रखा जाए, जैसा कि होता है बड़े बड़े नेताओं के साथ कि उनकी पार्टी के मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाता है, लोग आकर दर्शन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने इसकी इजाजत नहीं दी और गांधी परिवार ने तब कहा कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं रखा जाएगा और दरवाजा उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय का बंद कर दिया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के सताए हुए दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न देकर यह बताया है कि उनका दिल कितना बड़ा है और वो उन नेताओं का सम्मान करना जानते हैं जो उनकी पार्टी से नहीं आते, बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन इस देश के विकास में उनका योगदान अभूतपूर्व है। चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता और मसीहा थे और उन्होंने साहूकारों के खिलाफ किसानों को जमीनों से जुड़े अधिकार दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1959 के नागपुर अधिवेशन में जॉइंट फार्मिंग का प्रस्ताव पास नहीं करा पाए थे तो इसका एक कारण चौधरी चरण सिंह ही थे। और इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव वैसे तो गांधी परिवार के प्रिय कभी नहीं थे लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने नई आर्थिक नीति से भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोलने का काम किया और यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
लेकिन कांग्रेस की सरकारों में चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के इन योगदानों का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ और शायद जिक्र करने दिया नहीं गया क्योंकि गांधी परिवार को ये नेता असल में पसंद नहीं थे। हालांकि इस भारत रत्न में भारत विजय की सोच को भी आप देख पाएंगे। चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे, जाट समुदाय के बहुत बड़े नेता थे और भारत में अभी जाट समुदाय की कुल आबादी 6.5% यानी लगभग 9 करोड़ है। इसलिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने किसानों और जाट वोटर्स को साधने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के उस हिस्से से थे जो अब तेलंगाना राज्य का रूप ले चुका है और इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न देने से तेलंगाना में, दक्षिण भारत में बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये जो नॉर्थ साउथ कनेक्ट की हम बात करते हैं और दूसरा इस फैसले में सरकार का जो साउथ कनेक्ट है वो भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक और मशहूर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई है जो तमिलनाडु राज्य से थे और आज भी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के किसानों में उनकी सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। तो और एक और बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करने के बाद अब उनके पोते जयंत चौधरी के लिए NDA में शामिल होना और बीजेपी के साथ हाथ मिलाना वैचारिक रूप से आसान हो जाएगा। और ये हो सकता है इसलिए भी किया गया हो क्योंकि जयंत चौधरी अब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं और NDA में वो शामिल होंगे। अब इसके लिए उनका जो वैचारिक रास्ता है वो साफ हो गया है क्योंकि उनके दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, शराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजरी नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक।